पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की टॉप 10 प्लस खबरें। पंजाब के तरन तारण जिले की पुलिस ने हनुमानगढ़ टाउन निवासी एक व्यक्ति को फर्जी इंस्पेक्टर बनाकर लोगों से ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसने पंजाब पुलिस के CID विभाग का फर्जी पहचान पत्र भी बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार तरन तारण में पुलिस चौकी नौशहरा पन्नुआ के पास संदिग्ध हालात में घूम रहे थे। हनुमानगढ़ टाउन निवासी कपिल कांत शास्त्री को पंजाब पुलिस ने काबू में किया है। चौकी प्रभारी ASI चरण सिंह ने बताया कि गांव चौधरीवाल निवासी किसान सुखविंदर सिंह ने शिकायत की थी कि कपिल कांत शास्त्री अक्सर इलाके में आता है और वह खुद को पंजाब पुलिस के CID विभाग का इंस्पेक्टर बताता है। यह शिकायत मिलने के बाद पंजाब पुलिस सक्रिय हो गई है और उसे जाकर दबोचा गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय से आने वाले निर्णय को ध्यान में रखते हुए गत दिवस श्रीगंगानगर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी थी। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाएगा, न ही इस प्रकार का कोई भाषण या उद्बोधन देगा। नगर परिषद चुनाव को लेकर जिले में आचार संहिता लगी हुई है। रिटर्निंग अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि इस दौरान जिन उम्मीदवारों ने नियमानुसार अनुमति ले रखी है वे अपने वार्ड में सभा कर सकते हैं, लेकिन इस सभा के दौरान अयोध्या मसले पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव के तहत चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। हनुमानगढ़ नगर परिषद के 60 वार्डों में कुल 234 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। नामांकन वापसी के दौरान कुल 31 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए हैं। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को इन उम्मीदवारों ने चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। समाचार लिखे जाने तक यह चुनाव चिन्ह आवंटन की कार्यवाही जारी रहेगी। 16 नवंबर को इन उम्मीदवारों के लिए नगर परिषद चुनाव के तहत मतदान करवाया जाएगा और सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। लंबे अंतराल के बाद श्रीगंगानगर तहसील को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब जितने भी लंबित मामले पड़े थे उन्हें निपटाया जा रहा है। तहसीलदार संजय अग्रवाल ने बताया कि सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी दिक्कत को दूर किया गया है। इसी के साथ ही श्रीगंगानगर तहसील अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है। लंबित प्रकरणों को निपटाने के लिए गिरदावर सर्किल वाइज पटवारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। लालगढ़ पुलिस ने चोरी के मामले में पूछताछ करने के लिए दो शातिर चोरों को हनुमानगढ़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। आज दोपहर बाद आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। थाना प्रभारी कश्यप सिंह ने बताया कि पिछले दिनों गांव सरदारपुरा जीवन में रोशन छिंपा के पुत्र श्रवण छिंपा के घर से अज्ञात चोर सोना चांदी के जेवर और 15,000 रुपए की नकदी व अन्य घरेलू सामान चुरा कर ले गए थे। इस पर रोशन छिंपा की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पिछले दिनों हनुमानगढ़ पुलिस ने चोरी के मामले में वार्ड नंबर 7 केसी सिंहपुर सोहनलाल उर्फ सोनू और लवली उर्फ संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। हनुमानगढ़ पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने सरदारपुरा जीवन में चोरी की वारदात करना स्वीकार कर लिया। श्रीगंगानगर में नरमा खरीद के दौरान काट लेने के मामले में किसान और व्यापारियों में शनिवार को फिर से बैठक हुई। बैठक में नए सिरे से चर्चा हुई जिसके बाद दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। जानकारी के अनुसार किसान और व्यापारियों के बीच नरमा काट के मुद्दे पर 2 दिन पहले बैठक हुई थी, तब इसमें सहमति भी बन गई थी, लेकिन बाद में पक्की व्यापारियों ने समझौते पर असहमति जता दी। इस पर शनिवार को फिर से व्यापारियों की बैठक हुई और जिसमें दोबारा से सहमति बनी। श्रीगंगानगर से बांद्रा टर्मिनल्स के लिए सीधी रेल सेवा शनिवार रात से शुरू हो रही है और इसके लिए ट्रेन यहां पहुंचने के साथ ही आरक्षण भी चालू कर दिया गया है। JRUCC के पूर्व सदस्य भीम शर्मा ने बताया कि आज रात 9:40 बजे रेलवे का ट्रैक मैन गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेगा। इस गाड़ी की रवानगी के साथ ही श्रीगंगानगर से जयपुर के लिए सीधी रेल सुविधा भी मिल पाएगी। इससे जयपुर जाने वालों को तो राहत मिलेगी और साथ ही गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत के कपड़ा व्यापारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। समेजा कोठी पुलिस थाना क्षेत्र में ढाणी गुरमीत सिंह के निकट बाइक के नील गाय से टकराने पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस के अनुसार हादसे में 22 वर्षीय सुनील नायक बुरी तरह से घायल हो गया था और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहाँ उसकी मौत हो गयी। साधु शहर पुलिस ने बीती रात SDS पुलिया गदरखेड़ा चौराहे के निकट बीती रात कार में सवार 2 जनों को स्मैक सहित गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी बलवंत राय ने बताया कि बीती रात ऑल्टो कार में सवार मंगत बागला और निहाल चंद्र को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 12 ग्राम स्मैक बरामद की है। दोनों के खिलाफ NDPC एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और पकड़ा गया एक युवक वकालत करता है। पदमपुर कस्बे के गांव जलोकी में पानी की डिग्गी में मिली युवक की